वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण अति लघुतरीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो बीटीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ज़रूरी है कि मेरे वीडियो को एंड तक देखें और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सजीव वस्तुएं क्या हैं? देखिए सजीव वस्तुएं क्या हैं, तो ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार होता है वह सजीव वस्तुएं होती हैं। यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन होता है, वृद्धि और विकास होता है, और जो चीज़ें चल सकती हैं या चलती हैं वह क्या हैं? सजीव हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निर्जीव वस्तुएं किन्हें कहते हैं? तो देखिए ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार नहीं होता है वह वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। यानी कि जिनमें जीवन नहीं होता है वह निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं, और ना तो इनमें वृद्धि और विकास होता है और ना ये सांस लेती हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो देखिए सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी जो है विषाणु को कहा जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधों में कितने भाग होते हैं? तो देखिए पौधों में कुल 3 भाग होते हैं, जड़, तना एवं पत्ती। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधे में प्रजनन कितने प्रकार से होता है? तो देखिए प्रजनन जो है पौधे में 3 प्रकार से होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधों एवं जंतुओं में प्रमुख अंतर क्या है? तो देखिए पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, परंतु जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है। देखिए पेड़ पौधों में हमेशा जो है जीवन पर्यंत तक जो है वृद्धि और विकास होता रहता है, लेकिन जो जंतु होते हैं या जो मनुष्य होता है वो एक निश्चित समय के बाद जो है उसका वृद्धि और विकास रुक जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधों तथा जंतुओं में समानता संबंधी लक्षण बताइए। तो देखिए सभी पौधों एवं जंतुओं में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यानी कि पौधों तथा जंतुओं में समानता संबंधी लक्षण यही है कि चाहे वो पौधा हो और चाहे जंतु हो, दोनों में जो है अपने समान जो है जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो देखिए पुष्प में कुल 4 भाग होते हैं। पहला है दल, दूसरा वाह दल, तीसरा पुंकेसर और चौथा स्त्री केसर। तो कुल मिलाकर के पुष्प में जो है 4 भाग होते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों में अनुकूलन किन कारणों से होता है? तो देखिए जीवधारियों में अनुकूलन वातावरण, भोजन तथा भोजन की उपलब्धता के कारण होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक अनुकूलन से क्या अभिप्राय है? तो देखिए जीवधारी के शरीर की रचना में जब कुछ ऐसे परिवर्तन हों कि उस जाति को अपने आवास में रहने में अधिक सुविधा हो, उसे संरचनात्मक अनुकूलन कहते हैं। विशेष रूप से इसको समझ लीजिए, अनुकूलन यानी कि जो व्यक्ति या जो जीव जंतु जिस वातावरण में रहते हैं अपने आप को उसी वातावरण में ढाल लेते हैं, और जब वो वहाँ से जो है अलग वातावरण में जाते हैं तो वहाँ पर उनको दिक्कत होती है, तो इसे क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधों में जड़ का क्या उपयोग है? तो देखिए पौधों को भूमि से जल, खनिज, लवण उपलब्ध कराना होता है। यानी कि जो जड़ होती है वो पौधे को क्या करती है? भूमि से जल और खनिज लवण जो है उपलब्ध कराती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो देखिए पौधों में जड़ों के द्वारा भूमि से अवशोषित जल तथा वायुमंडल CO2 लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण और ऑक्सीजन मुक्त कराने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और इस क्रिया में जो है पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत लगती है और सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत लगती है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में फिर ये पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और इसमें देखिए सबसे खास बात आप लोग समझ लीजिए
पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन मुफ्त करते हैं, लेकिन जब वह रात में अपना भोजन नहीं बनाते, यानी कि जब जो है प्रकाश संश्लेषण सिर्फ सूर्य की उपस्थिति में ही होता है, तो जब वह रात में अपना भोजन नहीं बनाते हैं तो उस समय वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। केवल कुछ ही पेड़ पौधे ऐसे हैं जो रात में भी हमें ऑक्सीजन देते हैं, जैसे तुलसी का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है। ये पेड़ ऐसे हैं जो हमें रात में भी जो है ऑक्सीजन देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी BTC में कई बार पूछा गया है कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, तो इसमें बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। तो इसलिए आप लोग विशेष रूप से इस बात को समझ लीजिए कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में जो है ऑक्सीजन ही लेते हैं और बाकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और श्वसन की क्रिया में यानी कि सांस लेने में पेड़ पौधे भी जो है प्राण वायु जिसको बोलते हैं यानी कि ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं, और जो मनुष्य होता है वो भी जो है श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ही लेता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, पर परागण क्या है? तो देखिए जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? पर परागण कहलाती है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। तो देखिए पुष्प के नर अंग का नाम होता है पुंकेसर और पुष्प के मादा अंग का नाम होता है स्त्री केसर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, फलों में जल की मात्रा कितनी होती है? देखिए फलों में जल की मात्रा कितनी होती है? तो फलों में जल की मात्रा 90% होती है। फिर देखिए पौधों में जड़ का क्या कार्य है? तो देखिए पौधों को भूमि में स्थिर रखने तथा भूमि से जल खनिज लवण का अवशोषण करना है, यानी कि पौधों में जड़ का क्या कार्य है? देखिए शायद ये पहले क्वेश्चन हो भी गया है तो दोबारा रिपीट हो रहा है। तो देखिए जड़ जो होती है वो पौधे के लिए भूमि से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करती है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, जलीय पौधों को क्या कहते हैं? तो देखिए जलीय पौधों को जलोद्भिद कहते हैं। फिर है जलीय जंतुओं को क्या कहते हैं? तो जलीय जंतुओं को जलचर कहते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन में जरा सा अंतर है तो इसको आप लोग विशेष रूप से समझ लीजिएगा। देखिए जलीय पौधों को जलोद्भिद कहते हैं और जलीय जंतुओं को जलचर कहते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं? लिखिए। तो देखिए मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े तथा जल में तैरने के लिए इनका धारा रेखित शरीर जो है इनका अनुकूलन करता है, यानी इनकी सहायता करता है। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और समझ लीजिए आप लोग कि मछलियाँ जो है श्वसन क्रिया किससे करती हैं? गलफड़ों से। ये भी क्वेश्चन बहुविकल्पीय में पूछ लिया जाता है, और ये तैरने के लिए जो है धारा रेखित शरीर जो होता है इनका, ये भी जो है इनकी सहायता करता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, मूसला जड़ों को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए मूसला जड़ों को जो है तीन रूपों में बांटा गया है। पहला है शंख रूप, दूसरा है कुंभी रूप और तीसरा है तर्क रूप। तो इस प्रकार से कुल इनको तीन भागों में बांटा गया है। अब आप लोग समझ लीजिए कि मूसला जड़ कहते किसे हैं। तो देखिए मूसला जड़ जो होती है, देखिए जो पेड़ या पौधा होता है तो उसकी जो एकदम सीधी जड़ होती है या पेड़ के एकदम नीचे जो सीधी और सबसे मोटी जड़ होती है उसको मूसला जड़ कहते हैं, और जो उसी जड़ से अगल बगल या साइड में जो जड़ें पतली पतली लगी होती हैं उसी से और जमीन को जो है जकड़े रहती हैं उनको जो है अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। और दूसरा इसका नाम ये भी है कि अपस्थानिक जड़ें या झखड़ा जड़ कहते हैं। तो इस प्रकार से मूसला जड़ जो होती है वो सबसे मोटी जड़ होती है, और जो अपस्थानिक जड़ होती है वो उसी मूसला जड़ से लगी हुई जो है पतली पतली जड़ें होती हैं, और ये पेड़ को जो है साइड से मिट्टी को जकड़ करके रोकने का काम करती हैं, लेकिन जो मूसला जड़ होती है वो सबसे मजबूत जड़ होती है और सबसे जो है सीधी जाती है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए
अपस्थानिक जड़ों में भोजन एकत्रीकरण के कारण क्या परिवर्तन होते हैं? तो देखिए, भोजन एकत्रीकरण के कारण अपस्थानिक जड़ें कंद में बदल जाती हैं, जैसे शकरकंद। देखिए, भोज जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं ये क्या करती हैं, भोजन एकत्रीकरण के कारण अपस्थानिक जड़ें कंद में बदल जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, शकरकंद जो है एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अमर बेल पौधे का सामान्य परिचय दीजिए। तो देखिए, अमर बेल एक परजीवी पौधा है जो अपना जीवन चूषक जड़ों के द्वारा आधार यानी कि पोषक पौधे से लेता है। तो देखिए, अमर बेल, सबसे पहले तो आप लोग समझ लीजिए कि परजीवी किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे परजीवी पौधे कहलाते हैं। और अमर बेल एक ऐसा ही पौधा है जो दूसरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है। और जो लोग गांव में रहते हैं वो जानते होंगे, शहर के बच्चे भले ही ना जानते हों, एक रूस का पौधा होता है जो जंगलों में अक्सर पाया जाता है। तो छोटे छोटे पौधे होते हैं और उसमें सफ़ेद कलर के फूल जो है निकलते हैं छोटे छोटे, तो उसी के ऊपर अमर बेल पाया जाता है और वो पीले रंग की बेल होती है और उसी रूस के पेड़ पर बहुत ज़्यादा इधर उधर फैली रहती है और उसी रूस के पेड़ से जो है अपना भोजन प्राप्त करती है। तो ये है अमर बेल। तो अमर बेल का पौधा क्या है, एक परजीवी पौधा है। और देखिए, एक इसका उदाहरण और आप लोगों को बता दें, आप लोग देखे होंगे जो आम का पेड़ होता है उस पर जो है एक बांदा बांदा नाम का एक पौधा होता है, वो भी जो है परजीवी पौधा होता है और वो आम के पेड़ या अन्य पेड़ों पर भी जो है उग जाता है और वो उसी जो है पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता रहता है। तो इस प्रकार से अमर बेल है, बांदा है, ये सब जो है परजीवी पौधे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ कौन सी है? तो देखिए, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ मूसला जड़ होती है, यानी मूल अंकुर जो यानी कि बीज का जो मूल अंकुर होता है उससे जो मेन जड़ निकलती है वही मूसला जड़ होती है और वो सीधे नीचे जाती है और फिर बाद में अपस्थानिक जड़ें साइड में इधर उधर निकलती हैं। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता ग्राही जड़ें क्या हैं? तो देखिए, ऐसी जड़ें जो हवा में लटक कर अपने स्पंजी सिरों द्वारा जल वाष्प अवशोषित करके पौधों की जल पूर्ति करती हैं, इन्हें आर्द्रता ग्राही या वायवीय जड़ें कहते हैं। यथा, यथा का मतलब होता है जैसे आर्किड की जड़ें। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, श्वसन जड़ें किन पौधों में पाई जाती हैं? तो देखिए, वह होते हैं पौधे लवणभित पौधे, यानी कि श्वसन जड़ें लवणभित पौधों में पाई जाती हैं। तो देखिए, ये लवणभित पौधे जो होते हैं वो जड़ों द्वारा श्वसन लेते हैं। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, पत्तियां भोजन का निर्माण किस प्रकार करती हैं? तो देखिए, पत्तियां सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करती हैं, यानी कि अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो पत्तियां जो है भोजन का निर्माण नहीं कर सकती हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो देखिए, पौधे श्वसन क्रिया के अंतर्गत हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। देखिए, पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो देखिए, पौधे जो होते हैं वो श्वसन क्रिया के अंतर्गत हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, यानी कि अगर पेड़ पौधे ना हों तो हम लोगों का जो है जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो सांस में हम हवा लेते हैं वो हमें पेड़ पौधों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में पेड़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लगाने चाहिए, जिससे हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में प्राण वायु ऑक्सीजन मिलती रहे। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, नर तथा मादा युग्मक को मिलाने की विधि क्या कहलाती है? तो देखिए, नर तथा मादा युग्मक को मिलाने की विधि निषेचन कहलाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, बीजों का प्रकीर्णन किसकी सहायता से होता है? तो देखिए, बीजों का प्रकीर्णन जल द्वारा, वायु द्वारा, स्फुटन द्वारा, जंतुओं द्वारा, पक्षियों द्वारा और मनुष्यों द्वारा होता है। देखिए, प्रकीर्णन का मतलब होता है
देखिए, प्रकीर्णन का मतलब होता है कि बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। और ये प्रकीर्णन जो है, देखिए, तमाम प्रकार के बीज जो है जल द्वारा भी बह करके इधर उधर चले जाते हैं, वायु में उड़ करके चले जाते हैं, और जो है बीजों के या फलों के फटने से इधर उधर चले जाते हैं, जंतुओं द्वारा चले जाते हैं, पक्षियों द्वारा, और इस प्रकार से मनुष्यों द्वारा, तो कई प्रकार से जो है बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो देखिए, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो देखिए, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। फिर देखिए, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए, लंबाई का एसआई का मात्रक है मीटर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, 12 इंच बराबर कितना होता है? तो देखिए, 12 इंच बराबर 1 फुट होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 गज में कितने फुट होते हैं? देखिए, 1 गज में कितने फुट होते हैं? तो 1 गज में 3 फुट अथवा 91.44 सेंटीमीटर होते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, खेत का क्षेत्रफल प्रायः किस मात्रक में मापते हैं? तो देखिए, खेत का क्षेत्रफल प्रायः डेसिमल, एकड़ तथा हेक्टेयर व देसी भाषा में बीघा में मापते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी घन में लंबाई व चौड़ाई तथा ऊंचाई सदैव कैसी होती है? तो देखिए, घन जो होता है वो घन की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई एक दूसरे के बराबर होती है, यानी कि घन देखिए ऐसा बनता है और इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो बराबर होती, इस प्रकार से बनता है एक डिब्बे के जैसा। तो इस प्रकार से इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो बराबर होती है घन की। और घनाभ, इसी के साथ में हम बता दें, घनाभ जो होता है वो घनाभ जो है एक तरफ को लंबा होता है, जैसे वर्ग और आयत में अंतर होता है वैसे ही घन और घनाभ में अंतर होता है, वो भी डिब्बे के जैसा होता है घनाभ भी, लेकिन उसकी लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, लेकिन घन की जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आयतन किसे कहते हैं? देखिए, किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। देखिए, जैसे एक ग्लास में पानी भरते हैं तो जो पानी जो स्थान घेरता है उसको क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। तो देखिए, ये अगला क्वेश्चन है, MKS पद्धति में मूल मात्रक क्या है? देखिए, MKS पद्धति में मूल मात्रक है लंबाई, द्रव्यमान और समय। और देखिए, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और समय का मात्रक होता है सेकंड। यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग हम बता दें, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और समय का मात्रक होता है सेकंड। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, गति के कितने प्रकार हैं? तो देखिए, गति के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? देखिए, रेखीय गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति तथा दोलन गति। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार हैं। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।